हाय गाइस, गुड मॉर्निंग यार। आज हम लोग फाइनली इस रूम को छोड़ दिए। रूम में हम लोग पूरे एक महीने तक रहे और काफ़ी दिन हो गया यार। और ये था मेरा बेड और इधर का मेरा ये जो मेरा फ्रेंड था उन लोग का था बेड। इस साइड तीन लोग था, दो बेड पे तीन लोग था और मेरा सिंगल खुद का इधर था। अच्छा रहा काफ़ी यार दुर्गापुर में। और मैं भाई ऋतिक यार थैंक्स यार, तेरे वजह से हम लोग को इतना अच्छा रूम मिला और काफ़ी अच्छा हम लोग दुर्गापुर में रह पाए। और आगे चलते हैं, अभी देखते हैं बस में और ट्रेन में ट्रैवलिंग करनी है तो। और मेरे साथ जो रूममेट था ये लोग तो सुबह सुबह 6 बजे निकल गया और अभी 7 बज रहे हैं तो मैं अभी निकलने वाला हूँ क्योंकि मैं इन लोगों से पहले ही पहुँचूँगा। क्यों भाई? अरे भाई मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ और ये लोग जब तक बस से 12-1 बजे तक पहुँचेगा मैं 10-10:30 बजे तक अपना बैंडल में रहूँगा। तो यार हुई ना प्रॉफिट वाली बात, हुई ना। और मैंने अपने बैग भी रेडी कर लिए हैं दोनों, तो मैं बस अब निकल ही रहा हूँ। अंदर जूता वूता सब हो गया है तो बस अब निकल रहे हैं। बस से उतरे हैं और फिर यहाँ से टिकट काउंटर और टिकट काउंटर पे फिर टिकट लेकर आगे चलना है। और मेरे साथ एक हाय गाइस, मैं यहाँ पर दुर्गापुर स्टेशन पर आ गया हूँ और मैंने एक वीडियो और बना रखी है दुर्गापुर स्टेशन के बारे में, तो आपने नहीं दिखाया तो जाओ जाकर देखो यार, आई बटन के लिंक पे है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग आए थे अभी 8 बजे सुबह सुबह और मेरे साथ मेरे यहाँ पर फ्रेंड भी है तो हम लोग साथ में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यार वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है तो यार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी। और आपने दुर्गापुर के स्टेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ तो मैं उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा नहीं, इसलिए यार चाहो जाकर देख लो वीडियो को ही और देख लो। काफ़ी शानदार स्टेशन है। और सो गाइस अभी हम लोग सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं और ये रहे मेरे सामने सारे कॉलेज वाले फ्रेंड ही है तो अभी हम लोग बस ट्रेन का ही सब लोग वेट कर रहे हैं और बस 5 या 10 मिनट में। ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं सारे लोग मेरे पीछे, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और गिर गया भाई। देख लो हमारे पीछे बस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन में तो नॉर्मली से हम लोग को सीट मिल गया तो बस इस पर हम लोग चिल कर रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं आना है हम लोग, बस 2 घंटा का सफ़र है तो 2 घंटा तो यार हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो चलो यार वीडियो में बने रहो, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यार ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन काफ़ी फकी है देख सकते हैं आप। और इधर भी ये सारे मेरे और यहाँ पे सभी को उतर गया है और सभी को उतर के काफी दूर चला भी गया है तो कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे स्टेशन पे। So hi guys,
जैसे कि अभी हम लोग बैंडल में उतरे हैं और यहाँ से उतर के हमें फिर से बैंडल लोकल पकड़ के हमें आगे जाना है, तो बस हम लोग उसके वेट कर रहे थे। तो अभी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे बैंडल लोकल खड़ी है, तो बस हम लोग वहीं पे निकल रहे हैं। और तो गाइस ये हमारी बैंडल लोकल, और देख लो यार आप लोग और मेरे मुंबई वाले दोस्तों बताओ यार तुम्हारी मुंबई की लोकल कैसी होती है। ये हमारा और ये हमारी कोलकाता की लोकल्स हैं, तो देख लो यार काफ़ी देख लो ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी फाका है, क्योंकि अभी अभी ट्रेन आ रही है और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 5 मिनट बस वेट करना है और फिर यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे। यार सुबह सुबह का मौसम है और थोड़ी सी गर्म चाय आप देख सकते हैं, तो थोड़ी सी गर्म चाय की चुस्की। और यार अभी तो यार मौसम काफ़ी साफ है आज, यार यहाँ पे धूप ही नहीं निकला है, पता ही नहीं मेरे आने से धूप नहीं निकला है या मौसम कुछ अपना रंग दिखा रहा है। लो यार मेरी चाय ख़त्म हुई नहीं और ट्रेन स्टार्ट हो गई। और यार इस पे बैंडल का मैंने एक और वीडियो बना रखा है, जो कि आप एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारा कवर चीज किया था, जैसे कि मैं जब बिहार से आया था ना तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था, आपको आई बटन के लिंक में मिल जाएगा वो वीडियो। और उसमें मैंने बैंडल को भी दिखाया है, रिश्ता को भी दिखाया और बिहार के भी कुछ स्टेशन है उसको भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पे बैंडल जो था हम लोग यहाँ उतरे इस चीज को भी दिखाया हूँ, और रिश्ता में हम लोग जहाँ उतरते हैं वहाँ रिश्ता को भी मैं दिखाया हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लो यार आई बटन के लिंक में है। तो यार मेनली मैं कभी ट्रेन से झूलता नहीं हूँ, ऐसे फ्रेंड लोग होते तो बस आगे खड़े रहते हैं पर लड़के नहीं रहते। यार बहुत गलत बात है कि ट्रेन में कोई लटक के जाता है या झूल के जाता है, तो यार उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो कि एक थोड़ा सा मजा के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे तो अभी ये ब्रिज क्रॉस हुआ, ये रहा रिश्ता हमारा। और बस मैं अब रिश्ता आ गया हूँ और यहाँ से बस मुझे 5 मिनट पैदल जाना पड़ेगा घर के लिए, या मैं टोटो पकड़ लूँगा। टोटो पकड़ना पड़ेगा भाई, बैग बहुत भारी है मेरा लग रहा है। और बस यार चलो आज की वीडियो में इतना ही था, और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।